अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है आपको बताना चाहूँगा। ये फेरी लिक्विड है जो मैंने इस प्लेट में थोड़ा सा डाला है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। समझ फर्ज कर लीजिए ये साबुन है, ठीक है। और दूसरी प्लेट में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये पानी है, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर डालते हैं, काली मिर्च पिसी हुई, जो यूँ समझ लीजिए कि वायरस है, ठीक है। इसको अगर हम वायरस, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, मामूली सा, आपको नज़र नहीं आता, तो हम ऐसा इसको प्रूफ करने के लिए कि ये सब फर्ज कर लीजिए कि ये वायरस है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये मैं अपनी फिंगर इसमें डिप करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें फिंगर डिप की और अगर आप ये देखें तो ये मेरी उंगली पर आप देख सकते हैं, आपको काली मिर्च नज़र आ रही है लगी हुई, तो इसका मतलब है कि आपकी उंगली पर वायरस है, आपके हाथ पे वायरस है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसी उंगली को अगर हम डिप करते हैं सोप में या साबुन से हाथ धोते हैं, साबुन से हमने हाथ धो लिए, उसके बाद क्या होता है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप वायरस, ये देखिए, देख रहे हैं आप, वायरस खुद ब खुद साफ हो जाता, क्लियर हो जाता। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि खुद भी साबुन से हाथ धोएं और बच्चों को भी ज़रूर कहें कि वो कोई भी काम करने के बाद हाथ लाजमी धोएं, ठीक है। मुझे यकीन है ये छोटा सा तजुर्बा आपके लिए, हम सब के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया।